हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो ट्यूब में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं V8 स्मार्ट वॉच की, जो कि गाइस ये है। इसकी मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो और बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से देख लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर माइक्रो SD कार्ड यानी SD कार्ड हमारा और मेमोरी कार्ड वर्क करता है या नहीं करता है, और साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इसके अंदर सिम वर्क करता है या नहीं करता है, और साथ ही साथ जो हमारा 4G सिम है वो वर्क करता है या नहीं करता है। तो गाइस, आज इसके अंदर हम 4 अलग अलग डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि वो वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। यहाँ पर हमारे पास है माइक्रो SD कार्ड 2GB का, उसके बाद गाइस हमारे पास है सैमसंग का 32GB का ओरिजिनल मेमोरी कार्ड, इसको भी हम इंसर्ट करने वाले हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे दो सिम हैं अलग अलग, एक है जियो का सिम और एक है एयरटेल 4G सिम। दोनों 4G हैं गाइस, जियो वाला भी 4G है और ये एयरटेल वाला भी 4G है, तो इन दोनों को भी हम लगा के देखेंगे अपनी V8 स्मार्ट वॉच में। गाइस, जो हमारा जियो वाला सिम है वो इस जियो वाले फ़ोन का सिम है, तो हो सकता है गाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये वाला जो सिम है स्मार्टफोन में वर्क नहीं करता, तो हो सकता है इसमें भी वर्क ना करे, वो भी हम ट्राई करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारी ये V8 स्मार्ट वॉच है, इसका हमें बैक पैनल निकालना होगा। गाइस, हमारा बैक पैनल निकल गया है, इसके बाद हमें इसकी बैटरी को भी निकालना पड़ेगा। गाइस, बैटरी निकालने के बाद आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये हमारा सिम स्लॉट है और ये हमारा माइक्रो SD कार्ड वाला स्लॉट है, इसमें जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो लगेगा और इसमें जो हमारा सिम है वो लगेगा। तो गाइस, फटाफट से इन चीज़ों को भी हम लगा देते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं 2GB वाला मेमोरी कार्ड लगाऊंगा और गाइस हमारा जो जियो वाला ये सिम है इसको लगाऊंगा। तो गाइस, ये सिम ऐसे ही नहीं लग पाएगा, इसमें आपको इस सिम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए गाइस, ये है हमारे पास सिम एक्सटेंडर, तो चलिए इसमें फटाफट से हम अपना सिम लगा लेते हैं। अब जो हमारा सिम है वो थोड़ा बड़ा हो गया है गाइस, अब इसमें आराम से लग जाएगा। तो आपको इसको ऊपर की तरफ पुश करके ऊपर की तरफ उठा देना है, और गाइस इस तरीके से आप सिम लगा लीजिए। अब हमारा सिम लग चुका है, अब हमें कार्ड लगाना है। गाइस, ये रहा हमारा कार्ड 2GB का माइक्रो SD कार्ड। गाइस, हमारा कार्ड भी लग गया है, अब हम वापस से बैटरी इसकी इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। तो गाइस, हमारी बैटरी जो है इंसर्ट हो चुकी है, अब हम इसका बैक पैनल भी वापस से लगा देते हैं। गाइस, हमारी वॉच रेडी है, अब इसका हम जो है इसको ऑन करते हैं। गाइस, हमारी वॉच ऑन हो रही है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो इंसर्ट सिम लिखता था अब वहाँ पे सर्चिंग लिख रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जियो का सिम वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये इस वाली फ़ोन का है। तो गाइस, इसने सपोर्ट तो कर लिया, लेकिन गाइस सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही यहाँ पे वर्क करने वाली है, यानी यहाँ पे जितनी भी इमरजेंसी वाले नंबर्स होते हैं, जैसे पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के, सिर्फ वही वर्क करेंगे इस वाले सिम के साथ। तो गाइस, यहाँ पे ये वाला सिम आप कह सकते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं गाइस हमारे SD कार्ड के बारे में, तो हम चेक कर लेते हैं SD कार्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने SD कार्ड में कुछ सॉन्ग्स डाले हुए थे, जो कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे, अगर होते हैं तो पता चल जाएगा गाइस। तो हाँ गाइस, यहाँ पे वर्क कर रहा है, और अभी हम चलते हैं इसके फाइल मैनेजर के पास। ये रहा गाइस इसका फाइल मैनेजर, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट पे जब आप नहीं लगाएंगे इसके अंदर मेमोरी कार्ड, तो यहाँ पे लिखेगा इंसर्ट मेमोरी कार्ड, लेकिन अगर मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर रहा होगा तो गाइस यहाँ पे उनके फोल्डर्स खुल जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ गाने भी मैंने डाले हुए थे, जैसे कि एक ये है गाइस। तो गाइज़, यहाँ पे ये बजने लगा है, अब इसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड वो हमारा सपोर्ट करने लगा है। तो गाइज़, अब इसके अंदर हम ये वाली जो दोनों चीज़ें बची थी हमारी,
इन दोनों चीज़ों को अब इसके अंदर लगाएंगे। तो गाइज़ हमने इसके अंदर से ये दोनों चीज़ें वापस से निकाल ली हैं, अब हम इसके अंदर ये दोनों चीज़ें लगाने जा रहे हैं। तो इसको पहले निकाल लेते हैं और हमारा जो एयरटेल वाला सिम है वो इसमें लगा लेते हैं। हमने एयरटेल के सिम को इसमें लगा लिया, अब हम इस एयरटेल के सिम को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। गाइज ये इंसर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब ये इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो सैमसंग का 32 GB वाला मेमोरी कार्ड है ये इंसर्ट करते हैं। गाइज हमने ये दोनों चीज़ें इंसर्ट कर ली, अब हम बैटरी लगा के इसको ऑन करते हैं और देखेंगे कि हम इसमें वर्क करते हैं ये दोनों चीज़ें कि नहीं। तो गाइज़ ये वाली स्मार्ट वॉच हमारी ऑन होने लगी, अब हम इसका बैक पैनल इंसर्ट कर देते हैं वापस से और फिर हम चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारी वॉच तो ओपन हो गई गाइज, और अभी देखिए यहाँ पे एयरटेल लिख के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एयरटेल है और सिग्नल भी आ रहा है अब एयरटेल का। और अब हम बात करते हैं अपने मेमोरी कार्ड की। तो गाइज़ ये रहा फाइल मैनेजर, और गाइज़ मेमोरी कार्ड भी वर्क कर रहा है, और इसके अंदर गाइज़ देखिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें भी कुछ गाने हैं, कुछ पिक्चर्स हैं अलग अलग। ये वाला गाना मैं बजा के दिखाता हूँ, एक मिनट, इसका स्पीकर मैं अपने स्पीकर में लगाऊं पहले। तो आपने देखा गाना बज रहा है, पिछली वाले में मैंने स्पीकर में नहीं दिखाया तो हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन वो वाला भी गाना बज रहा था। अब दोनों चीज़ें गाइज वर्क कर रही हैं, अब मैं इससे कॉल करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इससे कॉल करने वाला हूँ, तो गाइज इससे कॉल करूँगा वो चीज़ से बेटर है मैं इस पे कॉल करता हूँ। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी इस पे कॉल करता हूँ। तो गाइज़ देखिए इस तरीके से यहाँ पे कॉल आने लगी है, और इस तरीके से आप जो सिम लगा करके आप कॉल पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे उठाने के बाद कॉल को आपको स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा, और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। म्यूट का मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट का, सिग्नल का, सेटिंग का, और यहाँ पे ये जो आइकन है इस पे दबाने पे कॉल एंड हो जाएगी गाइज। और इस तरीके से आप जो कॉल भी कर सकते हैं इसके थ्रू, एयरटेल का सिग्नल पूरा आ रहा है फुल। और यहाँ पे हमारा कॉल लॉग रहता है जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने किससे बातें की। हमारा कॉल लॉग है, ये रहा गाइज हमारा कॉल लॉग, ये रहा गाइज। यहाँ पे मिस कॉल हैं, यहाँ पे अभी मिस कॉल आया था 2-3 बार, और उसके बाद हमारे रिसीव्ड कॉल्स हैं गाइज। ये वाला रिसीव कॉल किया अभी हमने 2-3 बार कॉल किया, देखिए फिर से आ रही है कॉल गाइज। अब उनको बताना पड़ेगा कि कॉल बंद कर दीजिए करते वक्त। और अब देखिए हमारी जो कॉल भी आ रही है वो भी आ रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज की इस वीडियो में मैंने इसी बारे में बात की कि हम किस तरीके से इसमें सिम लगा सकते हैं और वर्क करा सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं गाइज। और जिनके जो वीएड स्मार्ट वॉच है जिसमें वर्क नहीं करता है ये सारी चीज़ें, वो जो वीएड स्मार्ट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन की होगी, या तो फिर उसका जो स्लॉट्स है माइक्रो एसडी कार्ड या फिर सिम स्लॉट्स वो वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो आपको अपनी वॉच को रिपेयर कराना पड़ेगा, या फिर अगर आपने अभी नए में परचेज़ की तो उसको वापस कर दीजिए। और ये जो वॉच है इसके अंदर 4G सिम भी वर्क करता है, जैसे अभी एयरटेल का कर रहा है, कॉल्स भी होती हैं और कॉल्स आप कर भी सकते हैं और आती भी हैं। मैं यहाँ पर डायल करके भी दिखाता हूँ आपको इसी चीज़ के लिए। तो आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ऑप्शंस में जाइए और कॉल पे दबा दीजिए। लोकल कॉल पे दबाएंगे, देखिए गाइस कॉल जाने लगी है। तो इस तरह से होता है। देखिए गाइस कॉल जाने लगी है, और कॉलिंग के वक्त भी यही सारे फीचर्स रहते हैं अलग अलग। तो ये था बोनस आपका, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो आपको ये बोनस मिल गया होगा। और बस इतना था आज की वीडियो के लिए गाइज़। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रेड कलर का आइकन है उसको ग्रे कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।